अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। आज हम नईम शेफ नईम के साथ हैं मिल्की फूड की तरफ से। आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं सर? हाँ, मैं आज आपको चिकन पेटीज बनाना सिखाता हूँ। चिकन पेटीज बनाना। चिकन पेटीज माशाल्लाह। इसके इसके लिए हमने पहले ले लिया आधा किलो मैदा। सही, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ले लिया इसके अंदर 25 ग्राम चीनी है, ठीक है, और 50 ग्राम ऑयल है, कुकिंग ऑयल, 7 ग्राम नमक है, और 325 ग्राम यूनिपफ, मतलब जिसको जिसको कहते हैं यूनिपफ, ये जमा हुआ घी क्या कहा जाता है इसको, यूनिपफ, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा जमा हुआ घी। हाँ, यूनिपफ लाइक बटर। हाँ बिल्कुल, सेम वही चीज लगती है। बटर बटर में भी आप क्रॉस लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्रॉस मतलब क्रॉस। हाँ, क्रॉस कहते हैं मतलब जो उसकी ये जो मैदे को मतलब ये सब चीजें डलने के बाद क्रॉस क्रॉस के उसमें आ जाता है, जैसे अच्छा होटल लाइन लैंग्वेज में या बेकरियों में तो क्रॉस का आ जाता है। सही, क्रॉस का आ जाता है। अच्छा, मैदा हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अगर आपके घर में ऐसी बात है मशीन तो नहीं होगी, लेकिन जैसे आप आटा गूंदे ना, ये सेम उसी तरीके से आपको ये बनाना पड़ेगा। चले ठीक। उसके बाद क्या किया कि मैंने इसके अंदर चीनी भी डाल दी, अच्छा ठीक है, और ऑयल भी डाल दिया। सही, ऑयल डालने के बाद नमक भी इसके अंदर भी डाल देता हूँ, नमक भी डाल दिया। और अब आपने क्या करना है कि इसको मशीन के साथ को मिक्स कर दें, मिक्स कर दें, ठीक है, थोड़ा सा स्लो पे हल्का सा मिक्स करें। उसके बाद इसके अंदर आप पानी डालें, आहिस्ता आहिस्ता। 250 ग्राम पानी मैंने वैसे एक क्वांटिटी के हिसाब से लिया, 250 ग्राम पानी लिया हुआ मैंने अपने पास। अच्छा। तो लेकिन ये सेम जैसे आप लोग आटा गूंथते हैं ना, आटा तो आपको थोड़ा नरम रखना पड़ता है, इसको थोड़ा सा आपने हार्ड रखना होगा। सही, आटा तो जैसे हो जाता है जिससे कोई बबल निकल जाती है, वो तो थोड़ा नरम रखना पड़ता है, थोड़ा सा आपने हार्ड रखना है, मतलब कि आपके हाथ से भी ना चिपके ज्यादा। ये सही, आटा तो आपके हाथ से चिपकता है, बहुत ठीक होता है वो, बिल्कुल। पानी में तोल के रखा हो 250 ग्राम, 250 ग्राम तो मुझे लग रहा है कि पूरे डल जाएगा इसके अंदर, पूरा डल गया तकरीबन, और थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं ऊपर थोड़ा देख लेते हैं इसको चला के सही तरीके से, अगर ये सही ना भूलें तो उसमें और आटा डालेंगे, और आटा ही डालेंगे, पानी डालेंगे, पानी और डालेंगे। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि जिसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, जैसे लग नहीं रहा। अच्छा, हमने घी के अलावा सब डाल दिया, यूनि पफ के अलावा हमने यूनि पफ इसकी हम बेस में देंगे, ठीक है, जब बेस में आपको उन बता दूंगा तरीका कार किस तरीके से यूनि पफ इसकी बेस में आएगा। तो मैंने कहा आप आटा गूंथ रहे हैं इस तरीके से, आप आटा गूंथ रहे हैं घर के अंदर, ये मशीन है तो हम आटा जल्दी सटीक तरीके से गूंथ रहे हैं, वरना आटा जो है हाथ से जिस तरह गूंथा उसी तरह गूंथ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा ये आटा गूंद गया है, बिल्कुल सही। इसमें मैदा है, चीनी है, इसमें किस तरीके से ये इसको पकड़ लिया, ठीक है, इसको उतार लेते हैं हम। ये टोटल अपने तैयार हो गया, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया ना थोड़ा हार्ड रखे इसको, ठीक है। और अब आपने क्या कर रहे हैं, ये इसको टेबल पे रखते हैं, तो टेबल पे रखे थोड़ा सा, और थोड़ी देर क्या करना है कि आपने इसको गीले कपड़ा डाल दें इसके ऊपर, है ना, एक गीला कपड़ा कर लें, गीला कपड़ा कर लें, सही, थोड़ी देर के लिए इसको आप गीले कपड़े से ढक दें, गीले कपड़े से ढक दें इसको, ठीक है, सही। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये ढल जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा मजीद, अभी हमें नरम रखना नहीं है, गीला कपड़ा यूं डालेंगे कि ये थोड़ा सा मजीद ढलेगा, मतलब ढलेगा थोड़ा सा हल्का सा फूलेगा, और फिर क्या करेंगे हम इसके अंदर यूनिपफ वगैरह लगा देंगे, ठीक है, थोड़ी देर रखें 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक दें। अच्छा, ये इसको ढक के रखा था, अब हम इसको उतार देते हैं, ठीक है, ये देखिए ये हो गया, अब इसमें तो थोड़ा सा मैदा मार देते हैं नीचे टेबल के ऊपर, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हाथ से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका यूनिपफ था तो आपने उठा के इसके बीच में रख देना है, ठीक है, ठीक है। और क्या करना है, फिर आपने इसको इधर से इसको ऊपर कवर कर देना है, फिर इसको इधर से कवर कर देना है, और फिर इस तरफ से कवर कर दें,
और फिर इस तरफ से इसको कवर कर दें आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको उल्टा करें, मैदा मारें टेबल पे बहुत अच्छे तरीके से मैदा मारें, और इसके ऊपर भी मैदा मारें, और फिर बेलन से ना आपने ये पफ को हर तरफ बराबर कर देना है, ठीक है। ये पफ बराबर हो गया हर तरफ से, ठीक है। ये पफ इसका हर तरफ से बराबर हो गया, पफ एकदम मिल गया इसके साथ, सही। अब आपने क्या करना है, कौन सा पफ कहलाता है, यूनिपफ, यूनिपफ, ठीक है। अब क्या करना है कि आप इसको, इसको साइज बहुत बड़ा हो गया, बेल लगाना, ये और बड़ा होगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये और मजीद बड़ा होगा। अच्छा, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि इसको फिर मैदा मारे ऊपर और इसको आप बेल दे, ठीक है, बेलने से मुराद बढ़ा दे इसको, सही। ये अच्छा खासा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ये मजीद बड़ा होगा। खवातीन तो रोटी पकाई है तो बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बेलेंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको बेलन के ऊपर, कबार से बेलन के ऊपर इसको, ठीक है, रोल कर देना, रोल कर देना बेलन के ऊपर, मजीद टेबल पे आप मैदा मारेंगे इसको, ठीक है। आपको अच्छा, इसमें क्रीम रोल भी बना देंगे आप? हाँ, क्रीम रोल भी बन सकते हैं, तरीका का बता दूंगा, ठीक है। क्रीम रोल भी बनाने को बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी। अब मैंने इस तरीके से इसको बिछाया, फिर मैंने इसके ऊपर मैदा मारा, ठीक है। अब मैं इधर से इसको, सही, मतलब पहले आपने लेंथ बढ़ाई इसकी, अब आप इसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, क्या बात है। ये वही 250 ग्राम हुआ है, जी 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 जी, ठीक है, सही। मैदे से ये है कि ये नीचे चिपकेगा नहीं, बिल्कुल। अब देखिए जो मेन चीज है ना, जो देखने वाली चीज है, जो आपने अपने जहन में रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसकी तय, अब इसकी तह कैसे करेंगे, देखें, ये देखिए यहाँ थोड़ा बेटर हो गया, इसको आप इस तरीके से इधर कर लेंगे, ठीक है, बराबर, ठीक है, आगे समझ पाते। फिर क्या करना है, बराबर हो गया मतलब ये एक दूसरे के ऊपर इसकी तह रहती है, और थोड़ा और उसको इधर कर लेता हूँ, अब ये वाली तह इसके ऊपर इस तरीके, सही, ठीक है, ठीक है, हाथ से उसको प्रेस कर ले या बेलन से थोड़ा सा उसको प्रेस कर ले, ठीक है, फिर वही हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया ना। ये समझ ले, ये आपकी फर्स्ट तय हो गई इसके अंदर, कितनी हो गई, फर्स्ट स्टेप है। फिर क्या करना है आपने, ऐसे और ऐसे, सही, ठीक है, दुपट्टा तय करते हैं, तय करके रख दिया। अब आपने क्या करना है, वही जो गीला कपड़ा हमने किया था इसके ऊपर दोबारा डाल के रख दें, कितनी देर, तकरीबन 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करना है कि दोबारा हमने इसको बेलना है, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप किया था आपने, एक बार तय करके आपने, अब ये सेकेंड स्टेप शुरू हो गया, ठीक है, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से बेलते। क्या वजह है इसको बार बार स्टेप्स देने की और बेलने की? हाँ, इसकी वजह ये है, जब आपका पैटिस फूलता है, जब आपका पैटिस उठता है, फूलता है, तो उसकी वजह ये है कि जब तक स्टेप नहीं बनेंगे तो आपका पैटिस एक लुक में नहीं आएगा, लेयर्स आ जाती है, इसलिए आप लेयर्स बना रहे हैं, एक लाइन, लाइन जो होती है पेटीज के अंदर, वो जो बिल्कुल गोल गोल लाइन आ रही है, बिल्कुल, आप ये समझ, इसकी मदद से आती है, इसकी मदद से आती है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन खूबसूरती और जबरदस्त इसी तरह बनेगा, ठीक है। टेबल पे मैदा आप सही मारेंगे, ये आपका चिपकेगा नहीं, बिल्कुल, और ये बड़ा बदमजा नहीं करेगा, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया। अब इसको आते हैं, लंबान तो अच्छी खासी हो गई इसकी, लंबान अच्छी खासी हो गई और ये थोड़ा सा यहाँ पे चिपक भी गया है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है कि इसको दोबारा हमने वही उसी इतना सेम स्टेप रोल किया, अपने स्टेप रोल कर लिया इसको, और फिर क्या करना है कि हमने इसको क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, ये तो और लंबा हो गया, मजीद लंबा हो गया, सही। तो और ख्वातीन जो है वो इतना सारा मेरा गो, इतनी बड़ी जगह कहाँ से लाएंगी घूमने के लिए, ये इसके लिए तो आपको जगह चाहिए होगी घर के अंदर, सही, इसके लिए तो आपको जगह चाहिए, अगर जगह नहीं है आपके पास तो आप पेड़ से लगा सकते हैं, सही, तो ये कम मकदार में नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा कम में और क्या लगाएंगे आप, अच्छा ये सबसे कम है, कहाँ लगाएंगे आप ये बताएं, आधा किलो मैदे से और कम क्या करना चाहेंगे आप, सोना जाहिर सी बात है आधा किलो मिला होता कितना है, मतलब आप अगर आपकी फैमिली में 8-10 अफराद है तो उसके लिए तो आपको इतना ही चाहिए होगा मैदा, ताकि अगर एक एक बंदा भी 2-2 पैटीज खाए, माशाल्लाह तो 4 जब भी पेटीज मंगवाता हूँ बाहर से, हमारे यहाँ तो नहीं आते ना कोई बनाता, तो बेकरी से आते हैं, अब आप आ गए हैं तो फिर आप यहीं से आएंगे पेटीज घर पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ये देखें आप, सही क्या बात है सर, ये कितना फुट लंबा हो गया, अब क्या करना है आपने इसको दोबारा वही प्रोसीजर, दोबारा वही तय कर देना है, थोड़ा सा चिपक गया मेरे ख्याल से, मैदा कम लग गया इसके ऊपर मेरे से, और खैर कोई बात नहीं, रिपीट कर इसको दोबारा, ठीक है, ठीक, फर्स्ट स्टेप भी ऐसे ही था, सेकंड स्टेप भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसको दोबारा तय करके रख देंगे, दोबारा तय करके इसको दोबारा रख देते हैं, सही है, रोजर बहुत जबरदस्त, इतना बड़ा हो गया कि मेरी स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा, अच्छा जी, अच्छा मैं बड़ा परेशान हूँ, लोगों के कमेंट्स पढ़ गए कि उनको बस एक ही प्रॉब्लम हो रही है, हमसे सब कुछ सही समझ रहे हैं लोग, फिर भी ये कह रहे हैं कि आप जो ग्राम्स में ना बताएं, स्पून एंड कप्स में बताएं, तो इनका क्या हल निकाला है सर, नहीं देखना पड़ेगा, मैं दरअसल ये चीज़ें मैं खुद लेकर आता हूँ, मैं एक दफ़ा खुद चेक करता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, मैं फिर ये रिकमेंड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है हम पहले इसको खुद फिगर आउट कर लेंगे एक कप में कितना ग्राम, मैंने आज तक कभी ये कप का हिसाब है ना मैंने नहीं किया है आज तक, किसी किसी बात को, ठीक, हमेशा ग्रामेज के हिसाब से चला, अच्छा ठीक है, ये सेकंड स्टेप भी मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम, सही कपड़ा तय कर दिया आपने, ठीक है बिल्कुल इसको बराबर तय हो, ठीक है, ठीक है, आपने क्या करना है कि ये हवा से मैदा थोड़ा सा और मार के इसको थोड़ा सा चौड़ा करके इसको थोड़ा सा रख दें, ये कितने स्टेप होगा हमारे, 2 स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो चुके, अच्छा अब इस पे कपड़ा रखना है या, हाँ ऐसे ढक के रखें इसको दोबारा से, सही, ढकने से क्या होता है नरम हो जाता है, हाँ थोड़ा सा, ठीक है, अब 3rd स्टेप में, इसके बाद इसका 3rd स्टेप मैं आपको बताता हूँ, अच्छा ये हमने चिकन को बॉईल करके उसका एकदम रेशा कर लिया है, ठीक है, अब हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करके इसको पकाएंगे, अच्छा तो ये हमने एक कढ़ाई के अंदर 100 ग्राम ऑयल और प्याज मिला दिए, हाँ तकरीबन ये प्याज है 800 ग्राम, अच्छा 800 ग्राम प्याज और 100 ग्राम ऑयल मिला दिया, बिल्कुल, और हमने जो चिकन बॉईल करके रखी हुई है रेशा बना के, ये चिकन का हमने रेशा बना के रखा हुआ है, और इसको क्या करना है, इसको बस अब इसको लाल करना है, इसको थोड़ी देर पकाना है, इसको लाल करना है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मतलब हल्का सा लाल करेंगे इसको, और उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर मैंने दूध वगैरह भी बनाया हुआ, उसके वो भी मैं आपको बता दूंगा, दूध के अंदर क्या क्या चीजें, देखिए दूध के अंदर मैंने क्या क्या चीजें, ये दूध है इसके अंदर मैंने 3-4 चीजें डाली है, वो मैं आपको बता दूंगा, जब ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो क्या करेंगे कि ये दूध इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि मैंने ये देखें ये इसके अंदर हरा मसाला है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कितना कितना है,
पहले पहले इसके अंदर ये डाल देंगे, उसके बाद दूध डालेंगे, थोड़ी देर वो पकाएंगे, उसके बाद लास्ट में चिकन डाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने हल्का से लाल करके दिया, इसके अंदर जो आपने हरा मसाला बनाया हुआ था वो डाल दिया, वो हरा मसाला डाल दिया आपने। अब इसको दोबारा मिक्स करना है जी, थोड़ी देर इसको मिक्स करते रहे। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमने वो जो दूध आपने बनाया हुआ था हमने वो दूध इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम ठीक से हिला रहे हैं, उसमें दूध, हरा मसाला, प्याज और तेल है। ठीक है, अब हमने फाइनल स्टेप हम इसमें वाइट चिकन डाल रहे हैं जिसका हमने रेशा बनाया था। अच्छा, तो ये फाइनल स्टेप है हमारा और ये फाइनल हो चुकी है एकदम। चिकन है इसके अंदर और सारी जो आपने टोटल रेसिपी हमने बतानी भी है इनको, हमने पोस्ट के अंदर लिख के भी देनी है वो हर चीज़, और हमने ये बता भी दिया कि किस तरह हमने ये तैयार की है। ठीक है, ये हमारा इसका पेटीज के अंदर का चिकन तैयार। हाँ, चिकन तैयार हो गई, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हमने ये दूसरा स्टेप करके रखा था, इसको इसके ऊपर कपड़ा डाल के रखा था। अब ये इसका फाइनल स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप इज द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप है, ओके। अब क्या करना है, कोई मैंने जैसे आपको बताया टेबल अच्छे तरीके से मैदा डाल लें। ठीक है, सही। इसके ऊपर भी आप अच्छे से मैदा डाल दें, सही। यहाँ यहाँ सब जगह आपने मैदा डाल दिया। ठीक है, ये जीरा है, इसके ऊपर जीरा गिर गया थोड़ा सा, नहीं नजर आ रहा खास। सही, ठीक है, थोड़ा सा मैदा मारना इसके ऊपर उसी तरह बिल्कुल जिस तरह पहले किया था, लेकिन इस दफा छोटा है। फाइनल टच है हमारा, सही है, फाइनल टच बिल्कुल फाइनल। बस इससे ज्यादा नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसको। सही, इसकी लेयर थोड़ी मोटी होनी चाहिए, लेयर मोटी होगी तो ही समझ लेंगे इसके अंदर चिकन वगैरह फिल होगी। कितने अदद पेटीज बन जाएंगे इसके अंदर बता देंगे। सही सही सही, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने आधा किलो उसके अंदर फ्लोर के अंदर कितना बनाया आपने? हमने साइडें कट कर रहे हैं आप? हाँ, बस कर रहे हैं या ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, ये हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग। ये आप लेयर देखें, लेयर कितनी मोटी हो गई है, कितनी मोटी लेयर है। अब एक ट्रे ले लें आप, ट्रे के अंदर इसको काट लो, और स्टेप बाय स्टेप इसको लगाते हैं। सही, ये आपने ट्रे ले ली, ट्रे ले ली, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको लगाएंगे। ये कटर आ गया, अच्छा इस तरीके से इसको काटें और लगाएं इधर, जबरदस्त। इस तरह कटेंगे पेटीज, समझ। अच्छा, ये हमारी कटिंग हो गई है। अच्छा, ये जो बचा हुआ है ना, तो क्या करना है, इसको इकट्ठा करें। ठीक है, इकट्ठा करके और इस तरीके से इसके अंदर इसको फोल्ड करें
क्योंकि फोल्ड है तो अब जैसे अभी दोबारा इसको बेला था और इसको दोबारा बेल लें दोबारा से ठीक है। जाया नहीं होगी आपकी कोई भी चीज़ जाया नहीं होगी ठीक ठीक है। अच्छा इसको दोबारा वही पलटें तय करें हाँ सब कुछ दोबारा करें दो बार तय करें इसको जितनी बार ये बचेगा आपका उतनी बार आप इसको दोबारा से सही वही स्टेप्स होंगे पहले स्टेप बिल्कुल तय करो फिर तय करो बिल्कुल बिल्कुल ठीक 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 है सही। अच्छा अब क्या करना है कि इसके बीच में हमने जो हमने ये अभी फिलिंग मैंने आपको बताई थी वो फिलिंग इसके अंदर आप लगा दें सब में ठीक है चिकन हम लगा देते चिकन लगा देते हैं इसके अंदर। फिलिंग तो आप अगर जो आपको अच्छी लगे आप घर में बनाएं आपको जो चीज़ अच्छी लगे फिलिंग जैसी आप उस तरीके से बनाएं इसके अंदर डालें ठीक है मतलब आप टेस्ट में कोई चेंजेस भी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि मैंने हरा मसाला डाला है तो आप भी हरा मसाला डालें ठीक है। ये सब के अंदर आप इस तरीके से चिकन लगा दें ठीक है। मेन जो चीज़ थी वो पेटीज थे कि पेटीज किस तरह बनते हैं जी पेटीज बनाने का तरीका क्या है ये चीज़ लोगों को नहीं पता बहुत सारे लोगों को नहीं पता बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी पेटीज बनते भी नहीं देखे होंगे माशाल्लाह उसके लिए तो बहुत एजाज की बात है कि उसने हम फेसबुक के जरिए मिल्की फूड की मदद से बिल्कुल पेटीज बनते हुए देखे और इंशाल्लाह ताला वो कोशिश तो यही रहेगी कि सब अपने घर पे बने। शुक्र गुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें आप लोगों को बना के दिखाता हूँ ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है कि इसके ऊपर आप हमें एक सेकंड तय लगानी है तय को उठाए और हल्का सा ना इसके ऊपर पानी में इसको हल्का सा ऐसा डिप कर लें पानी में डिप दोनों तरफ से ठीक है और फिर ये इसके ऊपर आप इसको इस तरीके से लगा दें ठीक है ढक दें इस सिस्टम में हल्का सा डिप करना है पानी में सही और इसके ऊपर इसको ऐसे ढक दें ठीक है ढक दिया जाए ठीक है। अब लग रहा है कि ये पेटीज बनेगा वाकई और ये सब ऐसे बस सब यही करें ये मैंने इसको ऊपर लगा दिया। अब क्या करना आपने ये चूड़ी लेनी है इसको और इसको इस तरीके का शेप दे देना आपने। अच्छा ये टूल है ये दो टूल है एक तो आपने ये टूल दिखाया हमें जी। ये दो टूल है ये दो टूल हमें लेने पड़ेंगे लाजमी अगर हमने पेटीज बनाने ये तो पहले मैंने आपको बताया था ना जिससे हम लोग जैसे कर्ली फ्लावर्स बनाया था बिल्कुल ये वो चीज है बिल्कुल और इसको आप और ये जो आपने ये डिजाइन हो सकता है हम अगर किसी के पास ये टूल ना हो तो किसी के पास सर्कल टूल हो बिल्कुल ठीक है ये देखिए ये हो चुका है। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि इसके ऊपर अंडा लगाना है जी। अच्छा ये पेंट ब्रश है आपके पास हाँ मेरे पास फिलहाल यही था तो मैं ठीक है तो बड़ा ब्रश आता है वो लेने आप और इसके ऊपर पूरे पे आप सब पे अंडा लगा दें ठीक है अंडा लगा के इसको हम बेक करेंगे 200 पर ठीक है 200 डिग्री पर ये ओवन में हम रख देते हैं इसको सही 200 पर मैंने आपको बताया कि इसको और इसको लगाएंगे तकरीबन 28 मिनट का टाइम देंगे हम इसको 28 मिनट हाँ 28 27 25 26 27 28 मिनट में ये पक जाता है सही ठीक है 28 मिनट मैंने इसको दे दिए 200 मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया ठीक है। अच्छा ये हमारे हो गए बेक ठीक है ये हमने ओवन से निकाले और ये देखिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ये देखें आप लुक देखिए इसका लुक देखें कितना जबरदस्त सारा जबरदस्त फूल गए ये जो मैंने तह लगाई थी ये सारा ये उस तह की वजह से ये जो उठे हैं और ये सब सही ठीक है। अच्छा ये चिपके नहीं होंगे नीचे नहीं 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 मैं वो भी दिखाता हूँ आपको ठीक है। अच्छा तो ये पेटीज तैयार हो गए चिप देखें आप सही ठीक है ये इनको क्या खोल के भी दिखाएं ऐसी सही अभी तो ये गर्म हो रहा है ठीक है और अभी नमाज का टाइम भी हो चुका है आज जुम्मा है माशाल्लाह नमाज के लिए जा रहा हूँ। अच्छा एक चीज और जी मैं उनको ये बता दें कि अगर इनकी जो हमने मैदे के लिए जो लेयर्स बनाई थी हमने जो हमने गोल गोल काटी थी अगर वो जितनी ज्यादा मोटी होंगी तो उतना ज्यादा उतना ऊंचा पेटिस आएगा लेकिन ये मेरे हिसाब से ये पेटिस स्टाइल बिल्कुल सही है ये बेहतरीन है ठीक है ये देखे ना ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ा सा और उठान हो अगर आपको उठान रखनी है तो आप जो मैंने वो बेस काटी थी ना उसको थोड़ा सा आपको मोटा रखना होगा बहुत सही ठीक है। अच्छा एक काम और भी करनी है वो मैं आपको बताना भूल गया
जब आप मैंने ये शूज में सब चीजें इसके अंदर डाल देगी मशीन के अंदर, तो आपने क्या करना होगा कि चीनी ठीक है, ऑयल और थोड़ा सा उसके अंदर पानी, पहले उसको हल करके उसके बाद आप मैदे के अंदर डालिएगा, क्योंकि फिर आपसे वो चीनी हाथ से हल नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, थोड़ा हल करके ठीक है बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, हमने पूरा चिकन बनाया और चिकन के अंदर आपने हरा मसाला और दूध के अंदर क्या डाला ये हमें नहीं पता, वो मैं आपको रेसिपी भी बता देता हूँ। नमाज का टाइम हो चुका है, नमाज पढ़ के आता हूँ फिर मैं आपको, उसके बाद फिर जो है मैं इनको जो है डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा किस तरह बनाना है दूध और वो किस तरह बनाना है। ओके बहुत शुक्रिया मिल्की फूड पाकिस्तान।